हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर बुक। वेल, आई एम बैक विद अनदर 25 एमसीक्यू रिलेटेड टू रिसर्च मेथडोलॉजी। हमने प्रीवियस दो सेशन ले लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिस्ट, जहां पे मैंने डिस्कस किए हैं 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च मेथडोलॉजी इन एवरी सेशन। तो अगेन इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के अनदर 25 मोस्ट आईटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और यहाँ से मैं आपके हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपके अगर क्रॉस क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक टॉपिक का, कि कौन से टॉपिक में क्या है क्या नहीं है, तो आपको इसके लिए हमारा जो पैकेज है, जो हमने इसका कोर्स डेवलप किया है, वो आप परचेस कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग अवर ऐप। और लिंक जो है ये प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो। तो वहां पे आपको ये डिटेल जो भी कॉन्सेप्ट है उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगी, देन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो 100% श्योर कि आप वहां से अपना एंट्रेंस क्रैक कर लो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सैंपल इज कॉल्ड, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सैंपल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सैंपल, ऑप्शन बी पैरामीटर, ऑप्शन सी यूनिवर्स और ऑप्शन डी स्टैटिस्टिक्स। तो जब हम किसी सैंपल का डिस्क्रिप्टिव मेजर निकालते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल डेटा का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, और ये वैल्यू सैंपल का समरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। देन जो बाकी ऑप्शन दिए हुए, लाइक सैंपल, सैंपल क्या होता है कि सैंपल सिर्फ छोटी ग्रुप होती है जो लार्जर पॉपुलेशन से ली जाती है। देन पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव मेजर होता है, जबकि स्टैटिस्टिक सैंपल का होता है। ठीक है, याद रखना ये जो पैरामीटर है ये पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्टिव मेजर। ठीक है, और हम बात कर रहे थे सैंपल की, तो सैंपल का जो डिस्क्रिप्टिव मेजर होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स। अगर यहाँ पे जो है पॉपुलेशन दिया होता तो उसका हम सिलेक्ट करते पैरामीटर। ठीक है, देन यूनिवर्स, तो यूनिवर्स यहाँ पूरी पॉपुलेशन का मतलब है, जो स्टडी का सब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस वेरिएबल? ऑप्शन ए एज, ऑप्शन डी वेट, ऑप्शन सी सेल्स और ऑप्शन डी टोटल लेंथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज टोटल लेंथ। व्हाई? सो टोटल लेंथ एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि ये स्पेसिफिक यूनिट्स में मेजर होती है, जैसे कि एकर्स या हेक्टेयर्स, और ये फ्रैक्शंस में नहीं होती है। बाकी ऑप्शन है जो कि एज, वेट और सेल्स, एज कंटिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि ये किसी भी वैल्यू को ले सकती है, वेट भी कंटिन्यूस वेरिएबल है जो किसी भी डेसिमल पॉइंट तक मेजर किया जा सकता है, और सेल्स कंटिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि ये किसी भी नंबर ऑफ आइटम्स मेजर होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिनको आप किसी ने किसी तरह से मेजर कर सकते हो, और जो ये होता है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि एकर्स या तो हेक्टेयर्स में मेजर होती है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वांटिटीज विच कैन टेक ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज विद इन अ सर्टेन इंटरवल ऑल कॉल्ड। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस वेरिएबल, ऑप्शन बी डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ऑप्शन सी सिंपल वेरिएबल्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर आपने प्रीवियस वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा होगा ना, तो वहां से ही इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे कहा गया है कि क्वांटिटीज जो न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं कोई सर्टेन इंटरवल के बीच में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ले सकते हैं एक स्पेसिफिक रेंज में, जैसे कि टेम्परेचर, हाइट, और ये किसी भी डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो वेरिएबल्स होते हैं जो स्पेसिफिक काउंटेबल वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, हेल्थ केयर्स, वो सारी चीजें। देन सिंपल वेरिएबल,
ये टर्म स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है, यूज ही नहीं होती है, ठीक है, देन तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए आएगा। अगर सर्टेन रेंज की बात करें, इंटरवल की बात करें, तो उसके बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है वो होती है कंटिन्यूस वैल्यू। इन टैबुलेशन कैप्शंस इज नोन एज ऑप्शन ए कॉलम हेडिंग्स, ऑप्शन बी सोर्स ऑफ डेटा एंड टेबल, ऑप्शन सी रो हेडिंग्स और ऑप्शन डी यूनिट ऑफ डेटा एंड द टेबल। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि टैबुलेशन में कैप्शंस को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ऑप्शन ए कॉलम हेडिंग्स। टैबुलेशन में कैप्शंस को हम कॉलम हेडिंग्स कहते हैं जो डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं जो उस कॉलम में है, जैसे कि एज, हाइट एक्सेट्रा। बाकी ऑप्शन है लाइक सोर्स ऑफ डेटा एंड टेबल, तो ये सोर्स होता है जहाँ से डेटा लिया गया है। रो हेडिंग्स क्या होते हैं, ये रो के लिए स्पेसिफिक होता है जो रोज को डिफाइन करता है। देन यूनिट ऑफ डेटा इन द टेबल, तो ये वो मेजरमेंट है जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये कैप्शन नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 5, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ डी, फ्रिक्वेंसी इज डी, ऑप्शन ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी रनिंग टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम टोटल फ्रिक्वेंसी का प्रोपोर्शन कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डेटा के फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करके निकाला जाता है जो उस कैटेगरी का रेलेवेंस दिखाता है, ठीक है। देन रनिंग टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है जो फ्रिक्वेंसीज को ऐड करता है, जो सीएफ हम जो देखते हैं वो। देन क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी यानी कि ये कोई स्पेसिफिक क्लास का फ्रिक्वेंसी है, लेकिन ये रिलेटिव नहीं होता। कोई सपोज ये हम सपोज लेते हैं कोई क्लास है 20 to 25, अब फ्रिक्वेंसी ये जो लिस्ट दी है इसमें जब जो इसके सामने जो इस रेंज के यानी कि इस क्लास के सामने जो फ्रिक्वेंसी होगी ना, तो वो क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द ग्राफ रिप्रेजेंट्स 100% ऑफ द डेटा अंडर स्टडी इज नोन एज, ऑप्शन ए पाई चार्ट, ऑप्शन डी ओगाई, ऑप्शन सी फ्रिक्वेंसी पॉलीगन और ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राफ जो 100% ऑफ द डेटा अंडर स्टडी रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। सो पाई चार्ट, यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट ऐसी ग्राफ होती है जो डेटा का 100% दिखाती है और इसे हम डिफरेंट कैटेगरीज के सेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक सेक्टर जो है उसका टोटल का प्रोपोर्शन दिखाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज इस तरह से होगा तो उसमें जो है तीन सेक्टर हैं, सपोज हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर अगर ले लें तो उसके तीनों के प्रोपोर्शन कितना है वो आपको दिख जाएगा, इस तरह से आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देन यहाँ पे बात करिए ओगाई, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ होता है लेकिन ये 100% नहीं दिखाता है। देन फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन क्या होता है कि ये फ्रिक्वेंसीज को लाइन ग्राफ में दिखाता है लेकिन 100% नहीं। देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन ये भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को दिखाता है लेकिन पाई चार्ट नहीं है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज, आई होप ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि हर रोज रिपीट हो रहा है और है हर एक पेपर में आया है। सो जो ऐसा पूछा है क्वेश्चन में कि ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसपे एक्सट्रीम वैल्यूज का बहुत ज्यादा ही इफेक्ट होता है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे सारे ऑप्शन मुझे बोलने की जरूरत है, ये होता है अरिथमेटिक मीन। सबसे ज्यादा अरिथमेटिक मीन एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड होता है क्योंकि ये सब वैल्यूज को एड करके एवरेज निकालता है। अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो तो ये मीन को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है, ओके। मीडियन और जो मीडियम है, मीडियम ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ मिडल वैल्यू की बात होती है। देन मोड की बात करें, ये सबसे फ्रिक्वेंट वैल्यू यानी कि जो बार बार रिपीट होती है वो वैल्यू ली जाती है इसमें, सो ये भी बहुत कम अफेक्ट होता है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा। देन वन द कॉरिलेशन कॉफिशियंट इज 0.9, देन इट इज टर्म्ड एज, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये तो मैंने आपको बताया था पूरी लाइन ड्रॉ करके कि सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1, हमेशा जो इसकी जो रेंज रहती है ना -1 to +1 ही रहता है इसी के बीच में। अगर जो है 0 माइनस जो है इस साइड की बात करें कि सपोज -0.2 आया और यहाँ पे अगर आया
0.8, ठीक है। अब बात करें माइनस 0.2, तो ये किसके करीब है, जीरो के करीब, लेकिन ये माइनस में है तो हम इसको लो नेगेटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर माइनस 0.5 आया है तो इसको हम मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसी तरह से ये सब अगर ये है, ये 1 के करीब आया 0.8, तो ये यहाँ पे हम इसको हाई कह सकते हैं, क्या कहेंगे, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये इधर आता तो यहाँ पे हाई नेगेटिव कोरिलेशन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 0.9, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर माइनस 1 हो या प्लस 1, माइनस 1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, अगर प्लस 1 आएगा तो यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पूरा जो मैंने आपको समझाया, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें से जो ऑप्शन प्रोवाइडेड है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है पॉजिटिव कोरिलेशन का। ऑप्शन ए हाई के रेट, ऑप्शन डी फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ऑप्शन डी प्राइस एंड सप्लाई। सो यहाँ पे आपसे पूछा है पॉजिटिव कोरिलेशन की बात, तो ऑप्शन सी जो है वो सुटेबल नहीं, क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड जो है इनके बीच तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, आपको तो पता ही होना चाहिए। और जितनी भी चीजें हैं उनका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा कि हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, फैमिली इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ती है। लेकिन लोग जो है डिमांड कम करते हैं अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पे पूछा है पॉजिटिव कोरिलेशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टैटिस्टिकल मेजर डिटरमाइंस द एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स इज ऑप्शन ए कोरिलेशन, ऑप्शन बी चाई स्क्वायर, ऑप्शन सी लैम्ब्डा, ऑप्शन डी रिग्रेशन। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स के बीच में अगर एसोसिएशन देखना है तो उसके लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर यूज होता है, दैट इज कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन यूज होता है, कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल मेजर है जो दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। देन काय स्क्वायर की बात करें तो ये कैटेगोरियल डेटा के लिए होता है, लैम्ब्डा तो ये एसोसिएशन को मेजर करता है लेकिन कोरिलेशन नहीं, ठीक है। देन रिग्रेशन की बात करें तो ये प्रिडिक्शन मॉडल है, कोरिलेशन से अलग। क्वेश्चन नंबर 11, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें से कौन सा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ऑप्शन डी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ऑप्शन सी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और ऑप्शन डी रेंज। तो यहाँ पर से पूछा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा नहीं है, तो ये आएगा ऑप्शन डी रेंज। रेंज जो है वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं, ठीक है। ये सारे रिलेटिव है लेकिन वो रेंज जो है वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही सेशन में क्लियर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो रेंज है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस होता है, ये रिलेटिव नहीं होता। देन कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये भी रिलेटिव मेजर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट ये भी रिलेटिव मेजर है। नाउ द फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज नॉट, हाइपोथेसिस का क्या फंक्शन नहीं होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए टू गिव अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ थियरी, ऑप्शन सी टू वैलिडेट द रिसर्च वेरिएबल्स, ऑप्शन डी टू डिटरमाइन मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपोथेसिस का क्या फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी रिसर्च वेरिएबल्स की वैलिडिटी देना, ये हाइपोथेसिस का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इनका जो है हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो किसी रिलेशनशिप या फेनोमेनन के बारे में प्रिडिक्शन करता है। इसका पर्पस कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, टू गिव अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये हाइपोथेसिस रिसर्च का फोकस डिफाइन करती है, टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ थियोरी, ठीक है। सो हाइपोथेसिस से थ्योरी डेवलप होती है जब एम्पिरिकल डेटा के थ्रू टेस्ट की जाती है, ठीक है। ये सारे जो है ये फंक्शंस हैं हाइपोथेसिस के, ओके। यहाँ पे जो क्वेश्चन था दैट वाज कि कौन सा फंक्शन नहीं है हाइपोथेसिस का, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। तो और कौन सा फंक्शन है हाइपोथेसिस का, दैट इज
टू डिटरमाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, यानी कि हाइपोथेसिस हेल्प करती है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी चूज कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन नहीं है वो है कि रिसर्च वेरिएबल्स की वैलिडिटी नहीं देता, ये फंक्शन नहीं है हाइपोथेसिस का. क्वेश्चन नंबर 13, द हाइपोथेसिस ऑल एज पीपल नीड लेस स्लीपिंग आवर्स देन नॉर्मल पॉपुलेशन इज टू बी टेस्टेड एट द ऑप्शन ए लेफ्ट टेल, ऑप्शन बी राइट टेल, ऑप्शन सी टू टेल और ऑप्शन डी ऑल द अबव. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपोथेसिस ओल्ड एज पीपल यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों को लेस स्लीपिंग आवर्स चाहिए होता है देन नॉर्मल पॉपुलेशन, तो इसको किस पे हम टेस्ट करेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा लेफ्ट टेल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने यही क्वेश्चन किया गया है कि जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों का जो सोने का जो स्लीपिंग आवर्स है वो कम है, उनकी नींद जो है नींद की जरूरत कम होती है देन नॉर्मल लोगों के, तो ये जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया हुआ है यानी कम नींद को जो है पॉइंट किया हुआ है, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट हुआ. राइट टेल की बात करें तो इस केस में जो है राइट जो टेल है वो यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं कि क्या बुढ़ापे के लोगों को ज्यादा नींद की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है लेस स्लीपिंग. ठीक है, तो टू टेल कब होता है कि जब यहाँ पे ये भी नहीं कहा है कि जो है कि टू टेल टेस्ट तब होता है जब हम दोनों डायरेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर ज्यादा होता है तो राइट टेल होता है, यहाँ पे कम पूछा है इसलिए लेफ्ट टेल आएगा, और अगर दोनों होता यानी कम ज्यादा दोनों देन टू टेल होता है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द क्रिटिकल वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट टू टेल टेस्ट ए. यहाँ पे पूछा है कि जब क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेल टेस्ट में, तो यहाँ पे इसकी जब टू टेल टेस्ट होता है तो वहां पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू 1.96 होती है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू वो होती है जिसके बेसिस पर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं. देन अब बात करें हर एक चीज की यहाँ पे, तो 2.58 की बात करें तो ये 1% लेवल के लिए कितना है, 1% के लिए, 2% के लिए 1.96 आता है. देन जो 1.64 है दैट इज फॉर 10% सिग्निफिकेंट लेवल, और ये जो 0.99 है ना इसका कोई सिग्निफिकेंट लेवल ही नहीं. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, द क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन डी केस स्टडी रिसर्च, ऑप्शन सी सर्वे रिसर्च और ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि इसमें से कौन सा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च वो होता है जो हम कह सकते हैं जिसमें इन डेप्थ डीप अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे इनसाइट्स के लिए, और जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिर्फ नंबर पर फोकस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात की गई है तो क्वालिटेटिव के लिए केस स्टडी रिसर्च आएगा. ठीक है, देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है जो वेरिएबल्स के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करता है. देन सर्वे रिसर्च, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है क्वांटिटेटिव ही होता है क्योंकि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट होता है. देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी ये भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकता है लेकिन ये डिटेल्स को डिस्क्राइब करता है. स्टूडेंट्स, ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसका भी मैंने डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है पोर्टल पे. ठीक है, सारे टॉपिक वाइज सारी चीजें डिस्कस की हुई है, तो अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझनी है उसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेस करना होगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, वहां से आप जाके हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं. ठीक है, और वहां से 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाए. ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, द एलिमेंट्स ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल, ऑप्शन ए कंक्लूजन मेथोडोलॉजी डेटा एनालिसिस, ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी लिटरेचर रिव्यू फाइंडिंग्स और लिमिटेशन, एंड ऑप्शन डी डेटा कलेक्शन रिजल्ट्स डिस्कशन. तो यहाँ पे पूछा गया है कि रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट्स क्या होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रहेगा रिसर्च प्रपोजल का जो बेस्ट एलिमेंट दैट इज ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड हाइपोथेसिस.
सो रिसर्च प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के पर्पस स्कोप और मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। कंक्लूजन, मेथोडोलॉजी और डेटा एनालिसिस ये रिसर्च रिपोर्ट में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं? रिसर्च रिपोर्ट। देन लिटरेचर रिव्यू फाइंडिंग्स एंड लिमिटेशंस जो होते हैं ये भी जो है रिसर्च के रिपोर्ट पर होते हैं। ठीक है, देन डेटा कलेक्शन रिजल्ट डिस्कशन, ठीक है, ये भी रिसर्च रिपोर्ट में होते हैं। सर जहां पर भी देखो आप रिजल्ट्स की बात हो या फाइंडिंग्स या लिमिटेशन तो या कंक्लूजन, तो ये सारी चीजें रिसर्च रिपोर्ट में ही होंगी। ठीक है, जबकि इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड हाइपोथेसिस ये क्या है? ये रिसर्च प्रपोजल का जो है एक एलिमेंट है ना। द टाइप ऑफ वैलिडिटी इज कंसर्न विद द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। ऑप्शन ए कंटेंट वैलिडिटी, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ऑप्शन सी फेस वैलिडिटी और ऑप्शन डी क्राइटेरियन वैलिडिटी। यहाँ पे कहा गया है कि जो है जो वैलिडिटी है वो किस तरह की होगी, ये जो है ये उससे रिलेटेड है कि टेस्ट जो है क्या मेजर कर रहा है और क्या क्लेम करता है। ठीक है, वैलिडिटी जो है यहाँ पे जो रहेगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए कंटेंट वैलिडिटी। वैलिडिटी ये कंफर्म करता है कि रिसर्च का टूल या टेस्ट सही है और उसका क्या पर्पज है। ठीक है, तो ये कंटेंट वैलिडिटी जो है ये कंफर्म करता है। ठीक है, तो बात करें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये देखता है कि क्या टेस्ट किसी थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट को एक्यूरेटली मेजर करता है। देन फेस वैलिडिटी ये सब्जेक्टिवली देखता है कि टेस्ट पहली नजर में रेलेवेंट लग रहा है या नहीं। देन क्राइटेरियन वैलिडिटी ये जो है मेजर करता है कि क्या टेस्ट किसी एक्सटर्नल क्राइटेरियन के साथ कोरिलेट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा गया है जो क्वेश्चन में कि कौन सा जो है वैलिडिटी कंफर्म करता है कि रिसर्च का टूल ये टेस्ट सही है और उसका क्या पर्पस है, तो इसके लिए कंटेंट वैलिडिटी यूज होता है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ मेजरमेंट, इसमें से जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड है इसमें से कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट नहीं? ऑप्शन ए नॉमिनल, ऑप्शन बी कैटेगरियल, ऑप्शन सी ऑर्डिनल और ऑप्शन डी इंटरवल। तो ये तो आपका आना ही चाहिए, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल ये सभी कैटेगरीज होती है, लेकिन कैटेगरियल जो है ये किसी भी तरह का लेवल ऑफ मेजरमेंट नहीं होता। ठीक है, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इनको क्लासिफाई करने के लिए यूज होता है। अब बात करें नॉमिनल की, तो नॉमिनल जो है ये लोवेस्ट लेवल है, सबसे पहले आता है नॉमिनल। ठीक है, ये लोवेस्ट लेवल को रिप्रेजेंट करता है बिना किसी ऑर्डर के। देन कैटेगरियल की बात करें, ये टर्म है लेकिन ये तो मेजरमेंट लेवल ही नहीं है। देन ऑप्शन सी ऑर्डिनल, यानी ये कैटेगरीज को ऑर्डर करने के लिए एबिलिटी देता है लेकिन डिस्टेंस मेजर नहीं करता। और इंटरवल की बात करें, ये जो है डेटा के बीच इक्वल इंटरवल्स को मेजर करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात कर रहे हैं कि क्या होगा। ऑप्शन ए नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन बी रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन सी पर्पोजफुल सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑप्शन डी इग्नोरिंग सैम्पलिंग ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए डायरेक्टली कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, कि हम जो है एक मेथड है जिसमें हम हर मेंबर को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, यानी रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये कहा होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में होगा। देन और बात करें जो पर्पोजफुल सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। देन इग्नोरिंग सैंपलिंग ऑलटुगेदर, तो ये कोई मेथड ही नहीं, ये दोनों नॉन प्रोबेबिलिटी वाला है। ठीक है, लेकिन ये कोई मेथड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 25, इफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 9, देन द मीन ऑफ ऑल 8 ऑब्जर्वेशन वुड बी। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो है 7 ऑब्जर्वेशन जो है उसका मीन 25 है और 8 ऑब्जर्वेशन अगर 9 है, तो जो है 8 ऑब्जर्वेशन जो है कौन सा होगा, तो 8 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वन सेकेंड लेट मी टेल यू,
सपोज जो 25 × 7 हम देखेंगे तो हमें 125 मिलता है, और 175 के बाद प्लस हम 9 करेंगे ये वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो हमें मिलता है 184। और इसको हम क्या करेंगे, कितने जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 9 जो है पहले 7 थे अब 8 हो गए, तो डिवाइड बाय हम करेंगे 8, तो हमें कितना मिल जाएगा 23। तो ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, ऑप्शन बी इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, ऑप्शन सी बोथ नल एज वेल एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, और ऑप्शन डी नाइदर द नल नॉर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस यूजुअली ये क्लेम करती है कि कोई इफेक्ट या डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 को कंसिडर किया जाता है अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। तो सबसे पहले कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, नल हाइपोथेसिस, लेकिन अगर ये जब रिजेक्ट हो जाता है देन ओनली H1 कंसिडर किया जाता है, दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ये सही है क्योंकि प्राइमरली नल हाइपोथेसिस को ही, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है, उसके बाद अल्टरनेटिव आता है। तो सबसे पहला यानी कि यही करेक्ट होगा, और बी गलत है क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उसका कंपैरिजन होता है नल हाइपोथेसिस से। ऑप्शन सी यानी कि ये भी गलत है क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डायरेक्टली टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कहाँ पे पहुंच गए हम, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी बिब्लियोग्राफी गिवन इन द रिसर्च रिपोर्ट, ऑप्शन ए हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च टू गेन इन डेप्थ नॉलेज, ऑप्शन बी शो द वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, ऑप्शन सी मेक्स रिपोर्ट ऑथेंटिक, ऑप्शन डी शो द हार्ड वर्क डन बाय द रिसर्चर। तो जो बिब्लियोग्राफी दी जाती है रिसर्च रिपोर्ट में तो उससे क्या होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा क्योंकि बिब्लियोग्राफी रिसर्च रिपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो रेफरेंसेस या सोर्सेज को लिस्ट करता है, और ये जो लीडर्स होते हैं उनको हेल्प करता है कि अगर वो और कोई रिसर्च करना चाहें तो उसमें उनको हेल्प मिल जाती है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी है तो ये गलत है क्योंकि बिब्लियोग्राफी सिर्फ नॉलेज का इंडिकेटर नहीं होता है। ऑप्शन सी, तो यहाँ पे मेक्स रिपोर्ट ऑथेंटिक की बात हो रही है तो ये पार्शली सही, लेकिन प्राइमरी पर्पस नॉलेज शेयरिंग नहीं है। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि बिब्लियोग्राफी का हार्ड वर्क दिखाने से कोई लेना देना ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन रिसर्च, ठीक है, ऑप्शन ए इट इज एक्यूरेट पार्सन हैज स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्शन बी इट परफॉर्म्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर द रिसर्चर, ऑप्शन सी इट नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड मिसलीडिंग रिजल्ट, ऑप्शन डी इट हैज वर्सेटाइल फंक्शंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर को रिसर्च में यूज करने से कौन से लिमिटेशन देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें क्या ऑप्शन सी में दिया हुआ, इट नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड मिसलीडिंग रिजल्ट, यानी कि इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है मिसलीडिंग रिजल्ट ना इस वजह से। तो कंप्यूटर रिसर्च में काफी मददगार होते हैं लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। यहाँ पे पूछा है कि जो ऑप्शन ए है ये गलत है क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड ये दोनों चीजें तो स्ट्रेंथ है, हमें यहाँ पे लिमिटेशन बताने हैं, लेकिन ये जो ये कंप्यूटर एक्यूरेट भी होता है, फास्ट और स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये दोनों तो एडवांटेज है। देन इट परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर द रिसर्चर, तो ये भी जो है एक तरह से लिमिटेशन नहीं है, ये तो एडवांटेज है। देन इट हैज वर्सेटाइल फंक्शंस, यानी कि स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है क्योंकि इसके वर्सेटाइल एक लाइन पे बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है, और यहाँ पे ऑप्शन सी ये करेक्ट रहेगा क्योंकि लिमिटेशन पूछा और यही इसकी लिमिटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, प्लैगियरिज्म इज डैश, ऑप्शन ए सबमिटिंग सम अदर्स वर्क एज ऑफ योर ओन वर्क, ऑप्शन बी सबमिटिंग योर ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क,
ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्लेगरिज्म है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है। तो प्लेगरिज्म का मतलब है कि किसी और का वर्क को अपने नाम से सबमिट करना या अपने खुद के पहले से पब्लिश किए गए वर्क को बिना प्रॉपर सिटेशन के यूज करना, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि सबमिटिंग सम अदर्स वर्क एज ऑफ योर ओन वर्क, ये तो क्लियर प्लेगरिज्म है, और ऑप्शन बी यानी कि ये भी सही है, क्योंकि अगर आप अपने पहले से पब्लिश किए गए काम को बिना रेफरेंस के सबमिट करते हैं तो ये भी प्लेगरिज्म ही होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। हाइपोथेसिस इज डैश, हाइपोथेसिस क्या है। ऑप्शन ए द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी अ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी अ फॉर्म ऑफ गियर्स इन विच द सब्जेक्ट ट्राइज टू आउटगेस एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि हाइपोथेसिस एक तरह का टेंटेटिव स्टेटमेंट ही होता है, एक तरह का प्रेडिक्शन होता है जो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ये रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं उसके बाद ही रिसर्च अच्छी तरह से होती है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि आउटकम तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है जबकि हाइपोथेसिस पहले से स्टेटमेंट होता है। ऑप्शन बी की बात करें, ये भी गलत है, कंक्लूजन तो रिसर्च के एंड में होता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ये बियास को डिस्क्राइब करता है लेकिन हाइपोथेसिस उसका नहीं है। ठीक है, ठीक है, बियास तो अलग ही चीज हो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, हियर आई एम एंडिंग माय टुडे सेशन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देन उसमें भी हम 25 क्वेश्चंस अगेन डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल कॉन्सेप्ट पर स्टडी करना है तो उसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा, जिसकी जो है लिंक प्रोवाइड की हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप जो है हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।